बहुत ही सुकून, पुरसकून, खूबसूरत टाइम। अजानें होती हुई हर जगह, खूबसूरत आवाज़ें आ रही हर जगह से अजानों की, और बहुत ये ऐसा वक्त होता है कि दुनिया सो चुकी होती है और उनके अभी इस वक्त उठने का टाइम होता है। तो आई एम ग्लैड, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिलता है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अभी अजानें स्टार्ट हुई हैं और अभी इन अजानों से पहले मैंने तहज्जुद अदा की, मैंने सूरह रहमान पढ़ी, मैंने सूरह मरियम पढ़ी, मैंने सूरह यासीन पढ़ी। आप लोग जिस तरह मुझे बोलते हैं आप ये पढ़ो बाजी, ये पढ़ो, मुझे इतना सुकून मिल रहा है। मैंने पानी पे जो है पढ़ के फूंका और मैंने पी लिया, और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अभी मैं आई हूँ यहाँ पे अपनी बैल्कनी में, और अभी अजानें स्टार्ट हुई हैं। तो मुझे इतना खुशी हो रही है, इतना सुकून मिल रहा है कि अल्लाह तुमने मुझे, मतलब मौका मिल रहा है मुझे कि अल्लाह ताला से बातें कर सकूं उस वक्त जब सारी दुनिया सो रही हो, जब पूरी कायनात सो रही होती है और मेरी 3 बजे आँख खुल जाती है और उठ के मैं कोई सुस्ती नहीं करती, क्योंकि कहते हैं तहज्जुद भी किसी किसी को नसीब होती है, आँख खुल भी जाती है लेकिन शैतान आपको उठने नहीं देता, आपका दिल नहीं करता, आपको सुस्ती होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जब आँख खुली है मैं उठ खड़ी हुई हूँ और मैंने अल्लाह ताला से जो है पढ़ाई की है, मैंने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से अपने लिए और अपने जैसी हज़ारों जो है वो जो पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं या जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, मैंने उनके लिए दुआएं मांगी हैं, बहुत सारी दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह ताला उनके सदके मुझे शिफा दे दे, मेरे बच्चों के सदके मुझे शिफा दे दे, मुझे कैंसर फ्री कर दे। और मेरे दिल से ईमान है, मेरा यकीन है आप लोगों की दुआएँ हैं कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर कैंसर फ्री होंगी इंशाल्लाह। तो बस अभी अजानें हो चुकी हैं, कहीं हो रही हैं, मैं नमाज़ अदा करती हूँ, फिर उठाना है मुझे अपने बच्चों को, और फिर जो है नमाज अदा करने के बाद मुझे इनके स्कूल की तैयारी करनी है, इनका नाश्ता और इनके यूनिफॉर्म्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं। तो मिलते हैं फिर। आ गई, चल भागते भी जाना, कब से वेट कर रहे हैं वैन वाला। अल्लाह हाफिज़, ग्राउंड दबाओ। ये है मेरा नाश्ता, बच्चे स्कूल जा चुके और उसके बाद मैं बैठ गई टीवी पे, मैंने व्लॉग देखे, अरमान मलिक उनका व्लॉग मैं ज़रूर देखती हूँ, पायल और कृतिका का, और सितारे हसीन का भी देखती हूँ, उसका अभी तक अपलोड हुआ नहीं है आज का। और इसके अलावा मैंने अपनी कुछ वीडियोस देखी, और इस तरह टाइम हो गया 10:30, जो कि बहुत ज़्यादा लेट है। एनीवेज थोड़ा सा मैंने कर लिया था, जब बच्चे स्कूल जा रहे थे थोड़ा सा बचा लिया था, साथ में पराठा चाय मैंने खा ली थी, उसके बाद मुझे टैबलेट खानी थी वो भी मैंने खा ली। नाश्ता रेडी है, अभी करूँगी नाश्ता, और आज मुझे कहीं नहीं जाना, मतलब मुझे ना ऑफिस जाना है ना हॉस्पिटल जाना है, आज मैं हूँ घर पर। और अभी नाश्ता करने के बाद वेट करूँगी बच्चों के आने का, और थोड़े बहुत घर के काम निपटाऊँगी, तो साथ रहिएगा। इतनी बार कौन बेल बजाता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी रही असेंबली सिद्रा की? मज़ा आया? और वाटर बॉटल भूल के चली गई थी? मम्मा, एक बच्चे ने मुझे मोटर चलाना बाहर देखो एक बच्चे ने मुझे मोटर चलाना सिखा दिया था, और फिर बाद में ना मैंने खुद बटन से भी सीख लिया था, सेट हो गया खुद, मैंने बटन का खुद देखा था कि बटन। चलो शुक्र, परेशान हो रही थी कल, इतना चीज उड़ी खेल रहे थे, सबको ना पनिशमेंट मिली थी, सबको मारा था, खदीजा को भी मारा था, तभी उसके कोई सर पे मार रहा था, कोई कंधे पे। कहां चील उड़ी खेल रहे थे वेन में? हां ओए होए। सिद्रा क्या बोला है आपको? चलो जल्दी जाओ अभी जाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हूँ मैं। जैसे कि आप लोग मुझे कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, आप सैड नहीं हुआ करें, आप रोया नहीं करें, तो मैं इनफैक्ट मैं अब कभी भी कोशिश करूँगी कि मैं अब नहीं रोऊँ किसी भी वजह से,
मैं सैड नहीं होंगी, मैं नाउमीद नहीं हूँ, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करम है। ठीक है, एक आजमाइश है, अल्लाह ने बीमारी दी, लेकिन उसके लिए मुझे जो है वो टाइम पे डायग्नोज हो गई, मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी, कैंसर फ्री हो जाऊँगी आप सब लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह। तो जनाब आज कहीं नहीं जाना था, मैं बता चुकी हूँ सुबह ही जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, आज हॉस्पिटल नहीं जाना था, आज कहीं पे ऑफिस वगैरह कहीं नहीं गई, सारे दिन घर पे थी। हाँ ये है कि नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, लंच बनाया, अभी रात का खाना भी बन चुका है, लेकिन मैंने सारा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि जाना कहीं नहीं था, तो बस लेट ही रही, तो लेट ही रही, बीच में उठी खाना वाना बनाने के लिए, बस फिर ये होता है कि गुनूदगी, सुस्ती, मेडिसिन का असर, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं सारा दिन। एनीवेज दिन गुजर चुका है, रात के 9:30 बज चुके हैं, और अभी मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कह रही हूँ, और थोड़ी देर बाद मैंने आपको साथ की जब शीट फाइनल हो जाएगी, इसका कलर हो जाएगा, तो ये आपको दिखानी है, और फिर आपसे कहना है अल्लाह हाफिज़, क्योंकि उसके बाद बच्चों को सुलाना होगा। तो बस आज कुछ इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, और कल फाइनली इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा केमोथेरेपी डोज है, और ये 15th होगा, और उसके बाद एक बच जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो टुडे मुझे एक पोस्टर मिला है अपने स्कूल में से, क्योंकि सैटरडे को हमारे स्कूल में ओपन हाउस है, ओपन हाउस में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स आएंगे, और मैंने भी बहुत सारी चीज़ों में क्लब्स में हिस्सा लेकर रखा हुआ है। तो मुझे हमारी क्लास के लिए एक बड़ी सी ईगल की पोर्ट्रेट बनानी है इस शीट पर, और उसको कलर करके कल लाने है। तो अभी शायद अभी बकरी हुई होगी कुछ देर पहले, तो अभी मैं बैठूँगा गूगल से, पहले मैं फोटो ढूंढूंगा ईगल की, और फिर उसको मैं बनाऊंगा, फिर कलर करूंगा। मेरे पास तो वैसे कलर नहीं है, मैं अपनी बहनों से ले लूँगा, लेकिन कुछ भी करके मैं कल सबमिट करा दूंगा। और फिर क्या कहते हैं, मैंने एक और चीज़ में भी हिस्सा लिया है जो है प्रोग्रामिंग। मुझे प्रोग्रामिंग का बहुत ही शौक है, इसीलिए मैंने प्रोग्रामिंग में हिस्सा लिया था, और मैं इंजॉय हो गया, और मैं मुझे कुछ कुछ समझ आ गया है। तो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सैटरडे को जो होगा तब फाइनल हो जाएगी पूरी तैयारी, तो बाद में लेता हूँ। चलो अभी मैं आगे साथ का अंडा रोटी, और यहाँ पे साथ बिजी है, क्या बनाया साथ? ईगल बनाइए, ईगल बनाइए, और जितना शीट का साइज़ है उतनी बनाइए, बहुत खूबसूरत बनाइए, बहुत फिनिशिंग से बनी है, लेकिन इतना क्लियर नज़र नहीं आ रही, जब इसके कलर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस अब क्या है, अब एक काम करो, खाना खा लो, फिर कलर करना है इसके ऊपर, ठीक है? क्रिएटिव बेटा है मेरा। अच्छा, इसका आर्ट बहुत प्यारा है, सिर्फ इसका नहीं, माशाल्लाह मेरी बेटियों का भी, और इसकी एक स्केच बुक है, इतने प्यारे प्यारे स्केचेस बनाता है, किसी दिन मैं उसके जो स्केच बुक्स हैं काफ़ी सारी हैं, उस पर जो इसने स्केचेस बनाए वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी ये पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है ईगल, इसने पूरे साइज़ का, यानी शीट का जितना साइज़ है उसी साइज़ का है। तो ये इनका ओपन हाउस है सैटरडे वाले दिन, जो अभी साथ ने बताया कुछ देर पहले, उसके लिए टीचर ने इसको बनाने के लिए कहा है। तो अभी कलर्स हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चों की क्रिएटिविटी देख के सच में दिल खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि जो फ़ी भर रहे हैं या जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर, वो वसूल हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी इसकी स्केचिंग है। अच्छा, खदीजा की भी बहुत अच्छी है, छोटी वाली सिद्रा की भी बहुत अच्छी है, लेकिन यह है कि अब आजकल जो है वो मोबाइल टीवी का बच्चों को ज़्यादा रुझान है, लेकिन फिर भी उसको जब भी टाइम मिलता है, इसके पास 2-3 स्केच बुक्स हैं, कुछ भर गई हैं कुछ अभी हैं, तो बहुत प्यारी ड्राइंग है तीनों की, और स्केचेस बहुत अच्छे बनाता है, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना इंटेलिजेंट है, अल्लाह ताला उसको बुरी नज़र से बचाए। तो टीचर, इनकी टीचर्स का हमेशा से यही कहना होता है कि ये गॉड गिफ्टेड बच्चा है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि मैं जब कोई चैप्टर समझा रही होती हूँ तो उसमें मेरे माइंड में भी नहीं होते आंसर्स, जो साथ जो है वो देता है। तो पता नहीं उसके पास कहाँ से इतनी नॉलेज आती है, किस तरह अंडरस्टैंड करता है। और दूसरी बात ये कि जब भी इनके चेक पॉइंट्स होते हैं, मिड टर्म होता है या फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, मेरे बेटा कभी स्पेलिंग याद नहीं करता, कभी आंसर्स
याद नहीं करता, बस उसको चैप्टर को पढ़ता है, अंडरस्टैंड करता है, और उसके बाद बस उसके लिए वो उतना ही काफ़ी होता है। फिर उसकी फिल इन द ब्लैंक्स हों, ट्रू फॉल्स हों, या क्वेश्चन आंसर हो, वो खुद से उसको जो है वो सॉल्व कर लेता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे। बस खदीजा का थोड़ा सा इशू है, वो उर्दू में थोड़ी सी वीक है, अदरवाइज़ बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो भी परफेक्ट है। बाकी सिद्रा और साद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई में, हर चीज़ में, सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं, और ये सारी चीज़ें देख के ना दिल खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट अभी जो इनकी लास्ट मिड टर्म के बाद जो पेरेंट्स मीटिंग थी, उसमें टीचर्स का इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा फीडबैक था मेरे बच्चों के हवाले से, मुझे मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि ऐसी सिचुएशन में कि जब मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, कीमोथेरेपी पेशेंट हूँ, और मुझे लगा था कि शायद बच्चों में कोई जाहिर सी बात है फ़र्क पड़ता है, हो सकता है टीचर्स बोलें कि बच्चे साफ नहीं आते थे, या एक होता है ना मतलब मदर बीमार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कोई कंप्लेंट नहीं थी। इनफैक्ट घंटा घंटा पेरेंट्स टीचर्स के पास बैठे हुए थे, बच्चों की कंप्लेंट्स सुन रहे थे, बता रहे थे, लेकिन हम जब सबसे पहले हर टीचर के पास फ्री हुए, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं सवाब मेरे बच्चों की तारीफ़ करने के। तो ये एक ब्लेसिंग है कि मैं इस कंडीशन में हूँ, फिर भी मेरे बच्चे 100% दे रहे हैं, 100% परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक दिन इनकी वैन मिस नहीं हुई, इनका स्कूल मिस नहीं हुआ, चाहे कैसी भी कंडीशन है। नाश्ता भी बनाती हूँ, लंच भी बनाती हूँ, रात का खाना भी बनाती हूँ, सुलाती हूँ उनको, यूनिफॉर्म इस्त्री करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। कोई सपोर्ट नहीं, कोई हेल्प नहीं है, सब कुछ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। बहुत खुश हूँ मैं अपने बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी ये ग्रोथ है और इनकी ये जो कामयाबियां हैं वो मुझे देखना नसीब हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब सीन ये हुआ है कि शीट रेडी हो चुकी है, अब मसला आ गया कलर्स का। साथ के पास कलर्स है नहीं, खदीजा के पास नहीं, क्योंकि ये लोग 6 और 7 क्लास में, बड़ी क्लासेस में हैं, और सिद्रा छोटी है, सिद्रा ने देने से भी मना कर दिया है। तो मैंने कहा लड़े नहीं, शीट रेडी है, तो ये सुबह कह रहे हैं साथ के स्कूल जाके वहाँ पे कल ही सबमिट कराने, तो मैं स्कूल में जाके कलर करके उसको सबमिट करवा दूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सिद्रा सो चुकी है और साथ खदीजा जो है अभी टीवी पर बैठे हैं, अभी जाके मुझे इनका टीवी बंद करना है, इनको सुलाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।